तो दोस्तों सभी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे ये जेई की क्लासेस चल रही है ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड ग्रुप का, जितने भी इसके अंतर्गत आपके सीएस हो गया, आपका आईटी हो गया, ये सारे जो लोग भी भरे होंगे और उनके फॉर्म पे ये शो कर रहा होगा ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड ग्रुप, तो वो सारे के सारे जो है इस ग्रुप मतलब की आपका इसी का ही पेपर आने वाला है, इसी सिलेबस से आने वाला है पार्ट बी में। तो आज जो जैसे कि पीछे वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा पिन डायग्राम के बारे में देखे हुए थे और उसका जो है कितने ग्रुप में किस तरह से उसका डिवाइड किया गया है ये सारे चीज हम लोग देखे हुए थे। वो वीडियो थोड़ा सा ज्यादा ही छोटा हो गया था क्योंकि वो मेन रीजन ये था कि इंटरप्ट का जो लेक्चर था मतलब था थोड़ा बड़ा था, तो इसीलिए हमको उसको थोड़ा छोटा ही रखना पड़ा। आज जो है टोटली हम इंटरप्ट के बारे में बात करेंगे और आपका जो है एक चैप्टर इसमें और होगा जो कि आपका पावर सप्लाई का होगा, तो ये दो चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और इस तरह से आपका पिन डायग्राम का जो है डिस्क्रिप्शन जो है आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो देखिए हम लोग बात करते हैं इंटरप्ट की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके कि एक्चुअल में इंटरप्ट होता क्या है। तो देखिए इंटरप्ट जो होता है आपका, तो ये आपका सुनने में मतलब कि थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा लेकिन आप इससे जरूर परिचित होंगे। इंटरप्ट ये होता है एक टाइप का डिस्टर्बिंग, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपका भाई आपको मतलब कि डिस्टर्ब करता है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, एक टाइप का इंटरप्ट हो गया। ठीक, तो इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर में भी आपका क्या होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप के रिक्वेस्ट आते हैं। ठीक, तो वो जो रिक्वेस्ट होते हैं एज अ इंटरप्ट मतलब कि किए जाते हैं। तो इंटरप्ट क्या होता है एज अ आपका की डिस्टर्बेंस होता है फॉर माइक्रो प्रोसेसर। तो इंटरप्ट जो होते हैं आपके, मैं बताया कि ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो इंटरप्ट को जो क्लासिफाइड किया गया है वो आपका तीन ग्रुप में किया गया है बेसिकली। एक जो होता है आपका हार्डवेयर इंटरप्ट और आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, एक जो होता है मास्केबल इंटरप्ट और आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इन सारे के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसके बाद देखिए आपका वेक्टर इंटरप्ट और आपका नॉन वेक्टर इंटरप्ट। अब हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। तो देखिए हार्डवेयर इंटरप्ट जो होते हैं टोटल 5 आपके हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, जैसे कि आपका ट्रैप हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, जैसे कि इनमें प्रायोरिटी भी होती है। तो देखिए आपका जो यहाँ पे जो दिखाया गया है वो आपका प्रायोरिटी बेसिस पे दिखाया गया है कि सबसे ज्यादा मतलब कि जो प्रायोरिटी होती है वो ट्रैप की होती है, इसके बाद आरएसटी 7.5 की, आरएसटी 6.5, आरएसटी 5.5 और लास्ट में आईएनटीआर होता है। यानी कि टोटल 5 इंटरप्ट होते हैं और उनकी जो प्रायोरिटी होती है ये आपका इस सीक्वेंस में होती है। लिस्ट अधिक पूछा जाए कि प्रायोरिटी किसकी होती है तो आईएनटीआर की होती है और हाईएस्ट प्रायोरिटी पूछा जाता है मैक्सिमम बार। और ये चैप्टर से अधिक कहीं भी आप बीएसयू का एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि आता ही आता है ये वाला, तो कई बार पूछ चुका है, हमको लग रहा है कि अब तक से 18-12 बीस बार पूछ चुका होगा ये। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से पढ़िएगा पूरे इंटरप्ट कंसेप्ट को। तो देखिए हाईएस्ट हो गया, लिस्ट हो गया, बाकी इसके बारे में और हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ये भी पूछा जाता है कि 8085 में टोटल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं। देखिए टोटल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इसमें 8 होते हैं आपके, 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं जो पीछे हम लोग देखा और 8 आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। इनको बेसिकली जो रिप्रेजेंट किया जाता है आरएसटी एन से किया जाता है, एन की वैल्यू जो होती है 0 से 7 के बीच होती है। ठीक, जैसे आरएसटी 0 हो गया, आरएसटी 1 हो गया, आरएसटी 7 हो गया, तो ये आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए जो आपका दूसरा कैटेगरी था मास्केबल और नॉन मास्केबल। देखिए मास्केबल का मतलब क्या होता है, मास्केबल का मतलब कि यदि मान लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के बाद ये आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया, यदि मान लेते हैं कोई प्रोग्राम जो है ये रन कर रहा है यानी कि एक्सिक्यूट कर रहा है और कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कोई डिस्टर्बेंस आता है, ठीक, तो इसको ये मतलब कि इग्नोर करके जो प्रोग्राम चल रहा है उसको वो रन कर देता है, ठीक, उसी को करता है। तो इस टाइप के इंटरप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्केबल इंटरप्ट। यानी कि ये इंटरप्ट जो होते हैं इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो वो आपके इग्नोरेबल होते हैं, इनको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक, अवॉइड किया जा सकता है। तो उस टाइप के इंटरप्ट को हम क्या बोलते हैं, मास्केबल इंटरप्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट। देखिए नॉन मास्केबल इंटरप्ट वो इंटरप्ट होते हैं जिनको कि अवॉइड और आपका कि उनको मतलब कि इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यानी मान लेते हैं कि यदि इंटरनल आ गया, ये आपका नॉन मास्केबल एक ही इंटरप्ट होता है वो ट्रैप होता है, ठीक, और ये जो होता है
यदि ये ट्रैप मतलब कि आ गया, यानी कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट आ गया, तो उसको जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है, यदि मान लेते हैं कोई प्रोग्राम रन कर रहा होगा, तो उसको क्या करेगा कि वहीं पर स्टॉप कर देगा। और सबसे पहले देखा गया कि ये जो आया हुआ है रिक्वेस्ट, वो मतलब कैसा है, यानी कि उसको पहले प्रायोरिटी देगा, इसके बाद ही इसको जो है रन करेगा प्रोग्राम को। तो ये टाइप मतलब कि जिसको कि इग्नोर, ऐसे इंटरप्ट जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता है या अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मास्केबल इंटरप्ट बोलते हैं। और आपके 8085 में आपका ट्रैप ऐसा इंटरप्ट है एक, जो कि आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। तो आप यहां से आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा और इसको समझते जाइएगा कि क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाएंगे आने। ये पूरा जो चैप्टर ही है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका लेक्चर हम अलग से बनाए हुए हैं। तो देखिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जो रखा जाता है, ये भी हम आपको बताए हुए थे कि आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ट्रैप ही होता है और लिस्ट प्रायोरिटी पे आपका INTR होता है। और अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे आपका मास्केबल, नॉन मास्केबल और वेक्टर इंटरप्ट और आपका नॉन वेक्टर इंटरप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए आपका ट्रैप होता है, तो ट्रैप को और अलग नाम से भी जाना जाता है, तो किस किस नाम से जाना जाता है ये भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, ट्रैप तो एक खुद का अपना ट्रैप ही होता है, दूसरा इसको NMI द्वारा भी जाना जाता है, ये 8086 में हम लोग देखेंगे, वैसे तो पढ़ना नहीं है 8086 आप लोगों को। तो ये जो होता है इंटरप्ट, तो वहां पे जो होता है इसको इसी नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक जो होता है आपका 4.5, ये इस नाम से भी जाना जाता है इंटरप्ट का। ये काम आता है कब, 4.5, यदि मान लेते हैं कभी आप भूल गए हैं कि जो आपका ट्रैप का एड्रेस लोकेशन क्या होता है, तो आपको यदि ये मालूम है कि इसका जो होता है 4.5 होता है, तो आप इजीली निकाल लेंगे। ये सारे चीज कैलकुलेशन पेपर में पूछते हैं, हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से किसी भी ट्रैप का जो है एड्रेस लोकेशन आपको मालूम करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं वेक्टर इंटरप्ट के और नॉन वेक्टर इंटरप्ट। देखिए, वेक्टर इंटरप्ट क्या होते हैं, वेक्टर इंटरप्ट वो इंटरप्ट होते हैं जिनके लिए कुछ एड्रेस लोकेशन जो है पहले से मतलब कि डिफाइन होता है। ठीक, तो वो हमारे कहलाते हैं आपके वेक्टर इंटरप्ट, यानी कि इनके लिए एक स्पेसिफिक एड्रेस लोकेशन होता है, तो उनको हम एड्रेस वेक्टर इंटरप्ट बोलते हैं। नॉन वेक्टर इंटरप्ट वो इंटरप्ट होते हैं जिनके लिए कोई भी एड्रेस लोकेशन स्पेसिफाइड नहीं रहता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन वेक्टर इंटरप्ट। तो इनका जो एग्जांपल है, जैसे कि आपका INTR, ये आप याद रखिएगा कि INTR जो होता है वो नॉन वेक्टर इंटरप्ट होता है 8085 में, यानी कि इसके लिए कोई एड्रेस जो है लोकेट नहीं किया गया है। ठीक, और हर एक आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हर एक ट्रैप जो होता है, मतलब हर एक इंटरप्ट जो होता है वो 8 बीट का लोकेशन जो होता है कवर करता है आपका, तो ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपका नॉन मास्केबल का एग्जांपल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि देखिए इंटरप्ट जो होते हैं, कुछ इंटरप्ट जो होते हैं आपका की जो कि आपका लेवल ट्रिगर होते हैं, और कुछ जो होते हैं आपका क्या होते हैं वो एज ट्रिगर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लेवल यहाँ पे दिखाया है पहले कि लेवल ट्रिगरिंग होती क्या है और आपका एज ट्रिगरिंग क्या होती है। ठीक, तो देखिए एज ट्रिगरिंग यहाँ पे दिखाया है, लेवल ट्रिगरिंग की बात किया जाए कि देखिए ये आपका लेवल होता है, ठीक, ये जो होता है आपका एज होता है। ठीक, तो मैं यदि आप हमारा लेक्चर देखे होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वहां पे आपको बहुत सारे चीज हम बताए होंगे इससे रिलेटेड कि आपके जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं वो लेवल ट्रिगर होते हैं, जो आपका सिक्वेंशियल सर्किट होता है आपका एज ट्रिगर होता है। यहाँ पे जो है आपको बेसिक ये समझना है कि लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग मतलब होती क्या है। तो देखिए, लेवल ट्रिगरिंग में ये होता है कि ये पूरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ये जो होता है आपका सिस्टम एक्टिव होता है। सपोज मैंने कहा कि कोई एक सर्किट है, ठीक, तो वो क्या है कि जैसे मल्टीप्लेक्सर है, तो मल्टीप्लेक्सर मैंने बोला कि वो तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में आता है, तो वो लेवल ट्रिगर होगा। तो वो क्या होता है कि पूरा एक ड्यूरेशन, जैसे टी इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं 5 सेकंड है, तो ये पूरा 5 सेकंड के लिए जो होता है एक्टिव रहता है, और फिर जो है नेक्स्ट आपका जो आएगा यदि ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये एक्टिव हाई है, एक्टिव हाई लेवल ट्रिगर है, और एक्टिव हाई मतलब कि लोअर ट्रिगर भी होता है, जैसे हायर है ये तो लोअर में भी आता है लेवल ट्रिगर में। तो उसका मतलब हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे 1 पे है, तो वो जो आपका एक्टिवेट हो वो 0 को है, यानी कि वो जो है कहीं यहाँ पे एक्टिवेट हो, तो एक्टिव हाई और एक्टिव लो एज लेवल ट्रिगर होता है। और इसी तरह से देखिए आपका एज ट्रिगर जो होता है, तो एज ट्रिगर में क्या होता है कि ये आपका एक एज पर होता है,
यानी यदि पॉजिटिव एज पे होगा या फिर आपका निगेटिव एज पे होगा, यानी कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होगी या फिर निगेटिव एज ट्रिगरिंग होगी। तो इसमें क्या होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपका जो डिवाइस होता है वो एक्टिव होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय के लिए आपका डिवाइस एक्टिव रहेगा और फिर क्या हो जाएगा, ये आपका मतलब कि डीएक्टिव हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल मोड में चला जाएगा। और इसी के बाद यहाँ पे भी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होते हैं। तो ये तो मतलब कि बेसिक था लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि आपका जो इंटरप्ट होता है, कौन सा इंटरप्ट जो होता है लेवल ट्रिगरिंग होता है और कौन सा जो होता है आपका एज ट्रिगर होता है, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो इसको आप सही से समझिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे आपका यदि एक सिंपल इंटरप्ट की बात किया जाए, मतलब वही जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो देखिए एक मास्केबल और आपका नॉन मास्केबल। ठीक, मास्केबल में जो है यहाँ पे तीनों का जो है आपका वो कर दिया गया है, मतलब कि मिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए मास्केबल इंटरप्ट में कौन कौन आते हैं, जैसे कि आपका 7.5 हो गया, 6.5 हो गया, 5.5 हो गया, ये सारे मास्केबल INTR हो गया, ये INTR आपका नॉन मास्केबल होता है, ये मास्केबल होता है लेकिन नॉन वेक्टर्ड होता है। मास्केबल का मतलब इसको इग्नोर किया जा सकता है इन सबको, लेकिन इसका इन सबका जो होता है जैसे 7.5, 6.5, 5.5 का क्या होता है वेक्टर्ड, यानी कि इनका जो है एक एड्रेस लोकेशन होता है लेकिन इसका कोई एड्रेस लोकेशन नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखिए आपका सेकेंड जो है नॉन मास्केबल है, नॉन मास्केबल 8085 के लिए एक ही है और वो है आपका ट्रैप है जो यहाँ पे दिख रहा है, और इसको जो है 4.5 के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको जो ध्यान रखने वाला है कि मास्केबल इंटरप्ट में कौन कौन से आते हैं, नॉन मास्केबल में कौन कौन आते हैं और नॉन वेक्टर कौन सा है। बस तीन चीज आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो है एग्जाम में कोई किसी भी टाइप का पेपर हो उसमें क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। तो इस तरह से आपका ये इंटरप्ट के बारे में जो था, जो कि एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, वो यहाँ पे आपका कवर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है इसके लिए मैं एक समरी आपके लिए बनाया होगी एज ट्रिगर और लेवल ट्रिगर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपका एज ट्रिगर और देखिए यहाँ पे आपके लिए बनाया है। तो देखिए ट्रैप जो होता है ये आप इसको जो है एकदम याद रखिएगा कि ये दोनों पे काम करता है, ये लेवल ट्रिगर पे भी काम करता है और एज ट्रिगर पे भी काम करता है। ठीक, इसी तरह 7.5 है तो 7.5 भी आपको दोनों पे काम करता है, आपका एज ट्रिगर पे भी काम करता है और लेवल ट्रिगर पे भी काम करता है। अब बाकी जो ये नीचे वाले हैं 6.5 और 5.5 और INTR, ये जो होते हैं आपके लेवल ट्रिगरिंग होते हैं, जबकि यहाँ पे ये शो किया गया है ये लेवल ट्रिगरिंग होते हैं। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा कि ऐसा कौन सा है मतलब इंटरप्ट है जो दोनों पे काम करता है। तो ट्रैप और 7.5 जो होता है आपका, ये ऐसे इंटरप्ट होते हैं जो कि लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग दोनों होते हैं। बाकी तीन जो होते हैं आपके वो आपके लेवल ट्रिगरिंग होते हैं। ठीक, तो ये इतना चीज जो है इंटरप्ट के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपका कैलकुलेशन, जो एड्रेस कैलकुलेट करते हैं हम लोग वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि यदि आपको ये वाला मालूम है तो आप किसी भी टाइप का इंटरप्ट हो या फिर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो या फिर हार्डवेयर इंटरप्ट हो, उनका जो है आप एड्रेस लोकेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। और वो चीज यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझिएगा कि सपोज इसका करने का रूल क्या है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दिया गया है RST N, यहाँ पे कोई नंबर होगा जो कि 0 से 7 के बीच होगा। ठीक, इसके बाद N जो भी होगा उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्यों करते हैं उसके बारे में जानना अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि 8 लोकेशन में कवर करता है हर एक जो आपका आपका इंटरप्ट होता है, ये चीज हम आपको बताए हुए थे, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए प्रोसेस को समझना जरूरी होता है। तो आपका एन जो होगा उसको जो है आप कोई भी एन नंबर होगा 0 से 7 के बीच में उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट आएगा वो डेसिमल नंबर में आएगा। ठीक, डेसिमल नंबर को आप जो है हेक्सा डेसिमल में चेंज कर लीजिएगा और ये जो आएगा यही आपका एड्रेस लोकेशन हो जाएगा। सपोज जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखाया है कि जैसे कि RST6 का यदि आपको एड्रेस लोकेशन चाहिए, ठीक, तो आपने क्या किया कि RST6 का 6 यहाँ पे n था आपका, n को 8 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया आपका
ये 48 हो गया, ये आपका डेसिमल में आया। डेसिमल से फिर हमको जाना पड़ेगा किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यदि 48 है और आपको हम बताए हुए थे कि मतलब किसी में जाना होता है डेसिमल को, डेसिमल से किसी भी मतलब बेस में जाना होता है उससे डिवाइड किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये तीन बार में जाएगा आपका, यहाँ पे जो अगर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, इसके बाद ये जो है आपका नहीं जा पाएगा, तो ये आपका यहाँ पे थ्री आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए, या यहाँ से आप लेते हैं तो ये आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 30H, या आप इसको जो है 00 भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, लोकेशन फॉर RST6, यानी ये इसका एड्रेस लोकेशन हो जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे 7.5 है, समझ लीजिएगा क्वेश्चन आते हैं इससे। तो देखिए 7.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा आपका, ये 60 आएगा। ये जो आएगा आपका डेसिमल में आएगा, इसको चेंज करना होगा आपका हेक्साडेसिमल में। तो आप हेक्साडेसिमल में इसको चेंज कर लीजिए, जैसे 16 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो ये देखिए कितने बार में जाएगा, तीन बार में जाएगा, और बचेगा कितना आपका, यानी कि ये आपका बचेगा 12, 48, 2, 4, यानी 12 बचेगा आपका। इसके बाद देखिए ये जो है आपका नहीं जा पाएगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे जो है नहीं जा पाएगा, और ये आपका 3 बचेगा। तो जब आप इस तरह से लीजिएगा, तो देखिए हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि आपको 12 क्या लिखना पड़ता है आपको, तो 10 को जो लिखा जाता है वो ए लिखा जाता है, 11 को बी और 12 को सी लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। और ये 0 यहाँ पे लगा भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हेक्साडेसिमल में हो जाएगा, यानी कि आपका 7.5 का ये क्या हो जाएगा, एड्रेस लोकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप के मतलब कि इंटरप्ट का आपको एड्रेस लोकेशन जो है आप निकाल सकते हैं इजीली। तो पेपर में ही आते हैं, जैसे कि देखिए हम लोग अभी 3C निकाले हुए थे इसका, तो आप यहाँ से मतलब कि एक निकालने का जो प्रोसेस होता है मैं आपको बता दिया हूँ। अब किसी भी टाइप का दे दिया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सपोज हम ट्रैप की बात करते हैं, ट्रैप का क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक फायदा ये होता है इसका कि यदि आप याद रखते हैं RST 4.5, तो आपसे पूछ दिया कि भाई ट्रैप का एड्रेस लोकेशन क्या होता है, तो इस तरह तो आपको याद नहीं है कि यार इसमें क्या होता है n की वैल्यू। लेकिन जब ये वाले याद रखे हुए हैं कि ट्रैप को ही आप RST 4.5 भी बोलते हैं, तो आप इजिली निकाल लेंगे। आप 4.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये क्या आ जाएगा, 8, 40, 32, 32, 4, 36, ठीक। ये आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, ठीक, ये आपका डेसिमल में आ जाएगा। अब डेसिमल को आप हेक्साडेसिमल में इजिली चेंज कर सकते हैं, आप इसको आप 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए ये कितने बार में जाएगा, तो ये आपका 2 बार में जाएगा आई थिंक। तो 32, तो ये कितना बचेगा आपके पास, 4 बचेगा यहाँ पे। इसके बाद ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसके बाद आप ये ले लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 24, ये हेक्साडेसिमल में हो जाएगा। यहाँ 0 भी लगा सकते हैं आप। तो ये आपका ट्रैप का जो है एड्रेस लोकेशन हो गया, ठीक। तो ये फायदा होता है इसका कि यदि आप इसको याद रखे हुए हैं तो आप इजिली इसका एड्रेस लोकेशन निकाल सकते हैं। और जो लोग पेपर दिए होंगे PSU का, उनको मालूम होगा कि इससे क्वेश्चन जो है बराबर पूछे जाते हैं। तो ये था आपका पूरा मतलब कि इंटरप्ट के बारे में। एक इंटरप्ट जो था ये भी कभी काल पूछा जाता है, उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए जैसे कि INTR के बारे में। तो देखिए INTR जो होता है सिंगल यूज नहीं किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के साथ जो है यूज किया जाता है। और जब आपका मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन को स्टोर करना होता है जब इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू, तो ये वाला INTR जो है मतलब कि यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। और ये जो होता है ये बस याद रखिएगा कि जो INTR जो होता है वो मॉनिटर किसके द्वारा होता है, तो प्रोसेसर के थ्रू होता है। और ये हमेशा चेक किया जाता है जो लास्ट क्लॉक पीरियड होता है आपका, तो हर एक लास्ट क्लॉक पीरियड में ये चेक किया जाता है कि INTR रिक्वेस्ट तो नहीं आई है कुछ। तो इस तरह से जो है आपको बराबर ये चेक करना पड़ता है भाई माइक्रो प्रोसेसर। और इसका जो एक्नॉलेजमेंट होता है मतलब ये माइक्रो प्रोसेसर द्वारा दिया जाता है, तो वो आपका INTA होता है जो कि आपका लो एक्टिव होता है। और ये मतलब कि मतलब रिक्वायर्ड होता है इसी के लिए, INTR के लिए होता है, यानी कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट के लिए होता है ये। तो वो ये इतना मतलब कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत इसके बारे में आप जान लीजिए। और वेक्टर इंटरप्ट होता है मतलब कि आपको बताए हुए थे कि INTR जो होता है आपका नॉन वेक्टर इंटरप्ट होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका इंटरप्ट का जो पूरा पोर्शन था वो खत्म हो गया है,
और मैं एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो पावर सप्लाई जो होती है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए हम लोग पावर सप्लाई के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ये बहुत छोटा है टॉपिक पावर सप्लाई वाला। पावर सप्लाई जो होता है एंड फ्रीक्वेंसी जो होता है, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में तो हम लोग उधर भी देख चुके हैं। देखिए पावर सप्लाई और फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका, तो जो आपका 8085 होता है, ठीक, वो जो है आपका 5 वोल्ट पे काम करता है, ठीक, 5 वोल्ट काम करता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जो नॉर्मल होती है वो आपका 3 MHz होती है, ठीक। और ये जो होता है फास्ट ऑपरेशन होता है एज कंपेयर टू आपका 8088 से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कभी कभी 8088 से भी कंपेयर करके पूछ लिया जाता है। तो देखिए 808 हो गया, यहाँ पे 80 आपका 8, ये भी याद रखिएगा। ये भी देखिए आपका जो होता है 8 बिट का ही होता है, आपका 808 है, मैं पहले ही बताया था। ये भी जो होता है इसका भी एक डेटा बस जो होता है 8 बिट का ही होता है, और ये भी माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का ही होता है। लेकिन इन दोनों में कभी कभी अंतर पूछ लिए जाते हैं, तो वो अंतर आप याद रखिए। ये जो ऑपरेट होता है, ये जो ऑपरेट होता है आपका प्लस माइनस 5 वोल्ट, सॉरी जो ये ऑपरेट होता है आपका, ये भी आपका प्लस माइनस 5 वोल्ट पे ही होता है। और इस वाले में ये आपका 8080 जो होता है वो ऑपरेट होता है आपका प्लस माइनस 5 वोल्ट पे। और कभी कभी एक रेंज और भी इसमें मिलता है जो किसी किसी बुक में, वो आपका प्लस 12 वोल्ट होता है, ठीक, इसके लिए। लेकिन ज्यादातर जो है इसी वाले को प्रीफर किया जाता है। मेन जो इसमें अंतर होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी का होता है, वो होता है इस वाले में 3 MHz। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से इस जो होता है ये स्लो होता है आपका, और इसकी थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो ये क्या होता है आपका, इसका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, हायर होता है स्पीड इसके कंपेयर में। ये क्या होता है, स्लोअर होता है आपका, और ये आपका हायर होता है। तो इस तरह से आप दो चीज मतलब दोनों में थोड़ा अंतर याद रखिएगा, क्योंकि एक बार ये पूछा हुआ है 808 को लेकर और 8085 का। ये भी देखिए आपका 8 ही बिट का होता है, ये भी जो होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का होता है, और ये भी आपका 8 बिट का होता है। बस इसमें फ्रीक्वेंसी का अंतर आता है और पावर सप्लाई का, ये प्लस 5 वोल्ट पे काम करता है, प्लस माइनस पे काम करता है। 2 सप्लाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसके लिए जो है 1 ही सप्लाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो होता है आपका डुअल फेज में आता है, लेकिन ये आपका सिंगल फेज में ही आता है। तो ये सारे चीजें थी जो कि मतलब कोरिलेट करके मैं आपको बताया हूँ 8080 से और आपका 8085 से। तो ये क्वेश्चन कभी कल पूछे हुए हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे करा दिया। देखिए यहाँ पे आपका जो इंटरनल आर्किटेक्चर था और पिन डायग्राम था 8085 का खत्म हो गया। अब हम लोग एक या दो लेक्चर देखेंगे और थ्योरी का, और इसके बाद जो है जितने भी अभी क्वेश्चन बने हुए हैं आपके, जितना भी हम पढ़ाए हुए हैं उससे रिलेटेड, वो सारा चीज हम लोग सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक या दो आपके थ्योरी के बाद। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ईसी जो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एलाइड ग्रुप का है, वो पार्ट बी का और पार्ट ए का दोनों का सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाएगा आपका धीरे धीरे। तो आप यदि टेक्निकल पोर्शन आपका यदि अच्छा है तो नॉन टेक पे फोकस करें, यदि आपका टेक्निकल थोड़ा सा वीक है तो आप अभी से ही टेक्निकल को लेते चले साथ में। मैं तो कहूंगा आप दोनों को पैरेलल ले चले, क्योंकि देखिए एग्जाम जो भी हो रहा है टेक्निकल का, उसमें क्या है कि आपको वेटेज टेक्निकल का दिया जा रहा है। तो आप सोचिएगा केवल नॉन टेक से हो जाएगा काम, तो नहीं होने वाला है, और टेक्निकल को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप पैरेलल ले चले, क्योंकि आपके लिए बेटर होगा। तो थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।